अब इसमें डाल रहे हैं कसा हुआ गाजर, आप कसा हुआ कद्दू भी डाल सकते हैं, ये बेसिकली इस ग्रेवी को थिक और ग्रेवी के मास के लिए है। अब इसको कम से कम आधा घंटा पकने दीजिए धीमी आंच पर। सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, उड़ता रसोईया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आत्मा और आज हम बात करेंगे जोड़ियों की। कई सारी जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, जैसे साबत उड़द दाल और मक्खन की, दिलीप कुमार साहब और सायरा बानू जी की। ऐसी एक जोड़ी है टमाटर और टोफू की। इनकी जुगलबंदी इतनी मस्त है कि खा के पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। और इसी लाजवाब संगम की साजिश करेंगे आज की इस रेसिपी में, जिसका नाम है टोफू टमाटर। और क्या, ये रेसिपी मैंने पंजाब में सीखी थी। पंजाब में लोग लाल मिर्च कम पसंद करते हैं, तो ये वहाँ ज़्यादातर हरी मिर्च से बनती है, सो इसलिए आज हम इसको हरी मिर्च से बनाएंगे, पर आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कुकिंग चैनल नहीं है, यहाँ पे ये किचन चैनल है। यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ बनाएंगे रेसिपीज़ के अलावा, तंदूर, अंगीठी, मिट्टी के बर्तन और पता नहीं क्या क्या। तो ये जो नीचे दिए गए आशीर्वाद या बरकत के बटन हैं, जैसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल वगैरह वगैरह, इनमें से कोई एक दबा दीजिए या सारे दबा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले सामग्री देख लें। ये व्यंजन बनाने के लिए हमको चाहिए इतना सब कुछ। ये है सन ड्राई टोमेटोस, पाँच एक टोमेटोस को सन ड्राई कर लिया गया है, यानी धूप में सुखा लिया है, और आधा उसमें प्यूरे बना दिया मैंने और आधा काट के रखा हुआ है। ये टोफू है, इनको बड़ी बड़ी मोटी स्लाइसेस में काट लेंगे। लहसुन, जिसको आधे घंटे के लिए ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा बेक कर लिया है। हल्दी, जूलियन कट अदरक, कसा हुआ गाजर एक, गर्म मसाला एक टीस्पून, ये धनिया, हरी मिर्च, तेल, मैं ऑलिव ऑयल ले रहा हूँ क्योंकि टमाटर के साथ ऑलिव ऑयल बड़ा अच्छा बनता है, काला लहसुन, हरी मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, मैं डाल भी रहा हूँ, और हरी मिर्च का पाउडर, जो मतलब हरी मिर्च को सुखा के पाउडर बना दिया गया है, ये बड़ा टेस्टी आइटम है, इसलिए मैं हरी मिर्च का पाउडर डालता हूँ। नमक स्वाद अनुसार, सेब का सिरका, सोय सॉस, और ये शिताकी मशरूम का पाउडर, ये उमामी फ्लेवर के लिए, ये और टमाटर का बड़ा सही जोड़ी बनता है। तो ये सब चाहिए हमको अपना टोफू टमाटर बनाने के लिए। आप पनीर से भी बना सकते हैं, टोफू की जगह पनीर डाल दीजिए, एक ही बात है। चलिए, इस रेसिपी में दो मेजर स्टेप्स हैं, एक टोफू बनाना और दूसरा ग्रेवी। टोफू से शुरू करते हैं। पहले टोफू को मोटे मोटे और बड़े स्लाइसेस में काट लीजिए इस तरह से, और इनको हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने से ये फिर बिखरते नहीं आसानी से, क्योंकि बड़े बड़े स्लाइसेस हैं, काफ़ी बिखर जाएंगे ये। बस हल्का सा फ्राई करना है। चलिए, अब टोफू को फ्राई कर लेने के बाद थोड़ी देर उबालना है। उबालने के लिए गर्म पानी में या उबलते पानी में ये सेब का सिरका है 2 चम्मच, ये सोय सॉस 3 चम्मच, और तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट। टोफू को लीजिए और उसमें फोर्क से 2-4 बार छेद कर दीजिए, और फिर उसको पानी में डाल दीजिए, और उसको इस तरह से 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक उबलना है। चलिए, अब ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी के लिए सबसे पहले हम 3 चीज़ें कूट पीस लेंगे। रोस्टेड जीरा, रोस्टेड जीरा हमने
दो टीस्पून लिया हुआ है। ये बेक्ड गार्लिक, 5-6 गार्लिक है इसमें, और ये एक काला लहसुन, ब्लैक गार्लिक। ये बिल्कुल चटनी बन गई इसकी। चलिए अब इसमें पतीले में 2 चम्मच तेल ले लिया मैंने, ये ग्रेवी बना रहे हैं हम, 1 चम्मच जीरा। तेल गर्म है, अब इसमें डाल देते हैं पीसा हुआ रोस्टेड जीरे और गार्लिक का पेस्ट। इसमें डाल दिया जूलियन कट जिंजर अदरक, बहुत सही फ्लेवर आ रहा है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा ये शिताकी मशरूम पाउडर, दो टीस्पून, लाइक 1.5 टीस्पून ग्रीन चिल्ली पाउडर, एक टीस्पून टर्मरिक, थोड़ा सा सॉल्ट। इस बात का ख्याल रखना है कि हमने सॉल्ट टोफू में भी डाला हुआ है। ये 5 मिनट से पक रहा है, अब इसमें हम टमाटो प्यूरे डाल देंगे। पहले उसको बहुत धीमी आंच पे पकाना है, कोई जल्दी नहीं है। टमाटर जब बहुत धीमी आंच पे पकता है तो उसका जो उमामी फ्लेवर है वो बेहतरीन ढंग से उभर के आता है। ये सन ड्राई टोमेटोस, और वो सन ड्राई टोमेटो प्यूरे था पहले, मतलब टमाटर को पहले धूप में सुखा दिया एक दिन तक, उसके बाद उसकी उसको पीसा गया प्यूरे बनाने के लिए, और उसके आधे को काट लिया गया है। इसमें दोनों तरह के टमाटर हैं, टमाटर और जो हमने पहले डाला था वो मशरूम पाउडर, ये सब शिताकी मशरूम पाउडर, ये उमामी के बेहतरीन सोर्सेस हैं। इस इनसे ज़्यादा उमामी और ज़्यादा चीज़ों में नहीं है। अब इसमें डाल रहे हैं कसा हुआ गाजर, आप कसा हुआ कद्दू भी डाल सकते हैं, ये बेसिकली इस ग्रेवी को थिक और ग्रेवी के मास के लिए है। अब इसको कम से कम आधा घंटा पकने दीजिए धीमी आंच पर, बस चलाते रहिए वरना नीचे चिपक सकता है। मैंने काफ़ी भारी बर्तन लिया हुआ है, इसमें आसानी से नीचे चिपकता नहीं है, फिर भी चलाते रहिएगा तभी अच्छा बनता है। अब इसको आधा घंटा पकने देंगे आराम से। चलिए आधे घंटे से पक रहा है ये, अब इसमें ये उबले हुए टोफू डाल देते हैं। पानी भी थोड़ा सा, ये गरम मसाला,
टीस्पून। इसको अब आधा घंटा इसी तरह से पकाना है फिर से, ताकि ये टमाटर जो है वो टोफू के रोम रोम में घुस जाए, उसकी अंतरात्मा तक पहुंच जाए। बस हल्का सा चलाते रहिए ताकि नीचे से चिपक ना जाए। चलिए अब इसको गार्निश कर देते हैं और मेहमान के लिए तैयार कर देते हैं। गार्निश के लिए हम यूज़ कर रहे हैं धनिया पत्ता, बटर, ये वीगन बटर है, इसका लिंक हम नीचे डाल देंगे, आप बटर भी डाल सकते हैं, और ये तली हुई हरी मिर्च। ये हरी मिर्च के साथ बहुत अच्छा लगता है इसको। ये बहुत यम्मी लग रहा है ये, सबसे पहले ये खाती हूँ। बहुत अच्छा रेसिपी चाहिए। हाँ वेरी नाइस, लेट मी ट्राई चिली। बहुत अच्छी, एवरीथिंग इज वेरी गुड। चलिए लगता है हमारे गेस्ट्स ऑफ ऑनर्स को ये रेसिपी बहुत अच्छा लगा, आप भी घर पे अपने ट्राई कीजिए, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए एक गाना हो जाए, मुझे रात दिन नहीं और काम, कभी तेरी याद कभी तेरा नाम, सब रंग दुनिया के फीके लगते हैं, एक तेरे बोल बस मीठे लगते हैं, लिखे हैं बस तेरे सजदे इस जमी पर, जिंदा हूँ मैं तेरी बस हाँ पर नहीं पर। चलिए इस अंतरे का मुखड़ा गैस कीजिए और देखते रहिए उड़ता रसोइया। शब्बा खैर।